आपका डेली भारतीय समाचार में मैं हूँ आपके साथ वर्षा वर्मा। नारायण हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में अमृतबाड़ी की वर्षा से श्रद्धालु मस्ती में झूमते नजर आए। साकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांडी सदा सदा के लिए जय जयकार। जब आप महापुरुषों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ तो सर्वप्रथम वचन साकार हरि का। अगर आप लोक सुखी परलोक सहला चाहते हैं साकार हरि का वचन और सदकर्म, कोशिश करो सदकर्म में, वचन के तहत सदकर्म में कोई ख्वाहिश न हो, कोई लालच न हो, तो सदगति की तरफ रास्ता जाएगा और आने वाले महापुरुषों के लिए हृदय में करुणा का होना बहुत जरूरी है। आने वाले महापुरुषों की निस्वार्थ जो भी कर सकते हैं सेवा करना भी नितांत आवश्यक, क्योंकि संतों की, भक्तों की, ऋषिवर मुनिवरों की से इसने प्रेम और सेवा से ही तो मिलना है, यही तो भक्ति बन जाता है, यही परम भक्ति बन जाता है। फिर कहीं सर मारने की या पटकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साकार हरि न काऊ मारते न काऊ देते हैं गाली, आदमी खोटे काम कर करके खुद ही अपना विनाश करा लेता है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, आपका धर्म कर्म बनता है आने वाले महापुरुषों से निस्वार्थ प्रेम करें, हृदय में करुणा जागृत हो, क्योंकि आपका संसार में कोई दुश्मन है ही, लेकिन है, सारे दुश्मन इस शरीर में भरे पड़े। जो व्यक्ति, जो संत, जो भक्त, जो ऋषिवर, जो भाई बहन किसी के अपने शरीर में देखेंगे कि वास्तव में हम तो औरों को दुश्मन मार रहे हैं, सारे दुश्मन मोह माया के, मिथ्या नस्ल के, भेदभाव के, मैं मेरी के, अहम के, सारे दुश्मन इस शरीर में है, रोम रोम में है, लहू में है, मन मस्तिष्क में है। तो अपने दुश्मनों को जो शरीर में बैठे हुए हैं इनको कैसे निकाला जाए, इनको देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सानिध्य पाए, इनका संग करें और साकार हरि का वचन मानकर सदकर्म करें तो ये निकलते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और निकलते जाएंगे। अगर इसके विपरीत हैं तो बाबूजी इनका निकलना अंतिम समय तक संभव नहीं होता। इसलिए धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब कुछ आया है, ये सत्य का संग आपको मिला हुआ है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपको मिला हुआ है और इसका परिपूर्ण तरीका से लाभ उठाओ। लेकिन लाभ उठाने से पहले ये ध्यान रखें कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। मकान अगर बुनियाद बालू के ढेर पर रख दी जाए तो न दीवार बन पाएगी न मकान बन पाएगा। इसलिए बुनियाद, समझदार लोग मकान बनवाते हैं तो बुनियाद बड़ी मजबूती से रखते हैं, तब कहीं दीवार ले जाते हैं तब जाके कहीं छत पड़ती है। इसी प्रकार से जब आप महापुरुषों का इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन हुआ, आपकी बहन बेटियों का हुआ, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। राजा रहे न रंग, बलि रहे न ओलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा, राजा रंग का फकीर। जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो किस पे घमंड करें, किस पे गुमान करें, किस पे अहंकार करें, कौन पराया है, भेदभाव, जहां भेद होता है वहां कभी अभेद नहीं हो सकती। कहां जाए परमात्मा की भक्ति करने के लिए, परमात्मा की भक्ति कभी संकीर्णता में नहीं होती, दायरे में सीमित नहीं होती। अगर दायरे में सीमित है, संकीर्णता में है, तंग गलियों में है, भेदभाव में है, तो कितना ही कुछ करो वो परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जहां निस्वार्थ है, अगर हमारा कोई निस्वार्थ है, दान पात्र में लगवाऊं या किसी रूप में नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला फूल मार धूपबत्ती में ग्रहण करूं, ये मेरा धर्म नहीं बनता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, हमको जरूरत ही नहीं।
जो करेगा सो भरेगा। हम धोखा नहीं दे सकते। आने वाले महापुरुषों को या समय संसार रूपी समाज के मानवों को, संतों को, भक्तों को, ऋषभ मनवर देवी स्वरूप देवता स्वरूप को धोखा देना हमारे वश की बात नहीं। हम धोखा नहीं दे सकते, देना संभव ही नहीं। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता, अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो निसंदेह हम धोखा जरूर देते। जब हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं तो धोखा देना हमारे वश की बात। और सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। एक एक शब्द को मन लगा के सुने, एक एक शब्द को प्रेम पूर्वक श्रवण करें और अंतःकरण में ले जाएं। फिर मंथन करो, चिंतन करो। जब आपको मौका मिलता है व्यवहार को रूप दो, कर्म में डालो, निसंदेह आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपके जीवन में हरियाली होगी, फूल होगा, फल भी होगा। और ये समझ में आई क्या है? अगर किसी के घर में जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, इतना सद्ज्ञान पाया है, वो जवान बेटे की मृत्यु पे रोएगा, आंखों में आंसू नहीं, कि वो जान चुका है जिसका स्टेशन आ गया उसे उतरना ही पड़ेगा। राजा हो चाहे रंग, बलि हो चौलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो, जान में जिसका समय आ गया उसके शरीर की मौत अटल सत्य है। किसी रूप में हो, होगी जरूर। तो किसको पता है जहान में? संसार में किसी को पता नहीं अगली सांस आए या नहीं। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है, कर ले बंदे प्रेम मानवता से, नहीं तो फिर पछताना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है, कर ले बंदे प्रीति साकार हरि से, नहीं तो फिर पछताना है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, अवसर बार बार नहीं मिलता है। जो मौका आपको मिल चुका है, अवसर मिल चुका है, और झूठ के पुलंदे बनाना हमारे बस की बात, झूठ पर आधारशिला रखना हमारे बस की बात नहीं। कि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सत्य की परिधि पैर प्रथम सीढ़ी है, यही से शुरुआत होती है। और अगर इस प्रथम सीढ़ी मानवता भाईचारे को धोखा लगाने के बाद चले तो फिर हम खुद स्वयं को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वयं को ही धोखा देता है, निस्वार्थ में डूब कर, मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जब व्यक्ति निस्वार्थ में डूब जाता है तो दिशा भूल हो जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, कर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है, नीति नाम की चीज नहीं देती। तो फिर वहां इंसानियत खोजने से भी मिलने वाली, मानवता खोजने से मिलने वाली नहीं। जहां इतिहास कहता है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, इसी तरह जैसे आप त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, महायज्ञ हो रहा है, महात्रिवेणी है, सब कुछ आपके सम्मुख है, ये जो कर रहे हैं, तो तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जिनको आप पदों पर बैठा देख रहे हैं, जिनको आप धनवान देख रहे हैं, जिनके पीछे तमाम अधिकारियों पीछे जनता भागती रहे, ये क्या है? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। प्रारब्ध पुरुषार्थ परमात्मा कमाया होगा, सत्व प्रधान सत्योगी आत्मा रही है, पूर्ण कर्म है, तभी ये पदों पर है, धनवान है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी। आज मौका आपको मिला है, वक्त मिला है, आप पर पद नहीं, धन भी उतना नहीं, लेकिन आपको जो आनंद मिल रहा है, परमानंद मिल रहा है साकार हरि परमात्मा की भक्ति से, भक्ति ही भक्ति परमात्मा साकार हरि का करता है, तो वही अमर हो जाता है। इसलिए आगमन हुआ है, ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए,
कितना सरल कर दिया, सहज कर दिया। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ साकार हरि निधाना। कभी किसी से उंगली उठाने की जरूरत नहीं, किसी पे ढेला फेंकने की जरूरत, क्यों कलेगु नहीं है, कर्ज है इस हाथ दे और इस हाथ। इसलिए कभी किसी पर ढेला या बुरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, निसंदेह कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। आप फूल बांटना शुरू कर दो, बदले में आपको फूलों की माला मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं। आप कांटे बोना शुरू कर दो, बदले में कांटे मिलेंगे, बचेंगे। क्यों? जुबान की शक्ति शाकर हरि प्रभु ने दी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल, जो करेगा तो भरेगा। विधाता का विधान है, शाकर हरि का विधान है, क्योंकि कर्म करने के लिए संसार स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र। तो जब आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बंधु जनों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो मनमति को हटा दो। जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तो वचन का तो फेर है कि वरदान दे दो, वचन ही तो है वरदान। जो जो तपस्याएं की न की है सारा खेल वचन का। अगर आपको लगता है कि आप साकार हरि परमात्मा का जन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं, जब आपकी समझ में है वेतन ही तन में है, तन में हो तो वेतन है, और ये पूरे ब्रह्मांड में समस्त सकल पसारा स्वयं साकार हरि का है, तो फिर तो वचन की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर वचन कभी तोड़ने की कुचेष्टा क्यों? तुम्हारे पेट में से क्या आवाज आती है, तुम्हारा विचार क्या बनता है? जहां साकार हरि का वचन मानना शुरू कर दोगे और वचन के तहत चलना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे अंदर के रोम रोम के जो विचार आते हैं, अंतर में आते हैं ना, ये सब नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी को कोई हटाना नहीं चाहता, यही कारण है भटक जाता है। लेकिन वर्तमान में तो शाकर हरि ब्रह्मांड के महानायक सबको संभाले हुए हैं, किस तरह से हरियाली रह रहे हैं, खुशहाली रह रहे हैं, किस तरह से मोहब्बत प्यार स्नेह प्रेम का असीमित दरिया बह रहे हैं, भेदभाव हट रहा है, मैं मेरी हट रही है, और समझ मानव प्रेमी उपासक एक बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं, भेद समाप्त हो रहा है। यही तो मानवीय संस्कृति है, और जहां मानवीय संस्कृति टूटने लगती है, बिखरने लगती है, वहीं दैत्य की स्थिति बनने लगती है। जो मौका, जो वक्त आप महापुरुषों को मिला हुआ है, इसे नाहक बेवजह बेकार न जाने दे, एक एक शब्द को मन लगा कर सुने और मन मस्तिष्क में ले जाए, हृदय में ले जाए, फिर आप व्यवहार रूप दीजिए, कर्म में ढालिए, तो आपको दर्शन का भी पूरा फायदा होगा, और वचन तोड़ दिया तो फिर फायदा नहीं। सत्यता भी है, क्यों ज्यादा भाषण देना मैंने बंद कर दिया, भाषण तो मैं कभी देता नहीं, उपदेशक भी नहीं हूं, और आप जानते हैं साधु संत महात्मा भी मैं नहीं, गृहस्थी में रहकर गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए एक हरकारा चौकीदार बनकर, एक हरकारा चौकीदार बनकर गृहस्थी धर्म में रहते, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए आपकी निःशुल्क सेवा करने का मौका मिला है, और जो सत्य थे सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे, साकार हरि परमात्मा का नाम ही तो आपकी जुबान से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जो महावीर है, पूरे ब्रह्मांड के महावीर है, जो पूरे ब्रह्मांड के बलवान है, जो पूरे ब्रह्मांड में महायोगी राज है, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, जो पूरी ब्रह्मांड में उनसे बल बुद्धि विवेक वाला कोई जगत में है ही नहीं, वही परमात्मा साकार हरि है, वही अल्लाह है, वही रब है, उनका नाम ले रहे हो, अगर इनकी शरण ले लोगे तो जगत से बचाव
दिखता है, अगर इनकी शरण नहीं ली तो संसार में बचाव दिखता लोग सुखी पर लोग सहला करने के लिए साकार हरी जो अजय कभी इनकी पराजय होती ही नहीं जो देखते रहिए टीवी भारती समाचार नजर हर खबर पर।